साईं दाता रहबर मालिक शाह मस्ताना जी, जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, जिन्होंने आज करोड़ों घरों में स्वर्ग जन्नत का नजारा दिखाया, जिनकी वजह से आज इंसानियत जिंदा है, इसका बहुत बड़ा काम सदगुरु मौला ने किया। इस घोर कलयुग में लोग गिरते जा रहे हैं, पर उनमें करोड़ों लोग संभले हुए हैं। ये उन्हीं की रहमो करम, उन्हीं की दया में रहमत के बदौलत हुआ है। तो सतगुर मुर्शिदे कामिल शाह सतनाम शाह मस्तान का जितना गुणगान गाया जाए उतना कम है। सतगुर ने यह सिखाया, हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बहुत लोग आएंगे जो आपको उंगली लगाएंगे, जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको लड़ाएंगे, उनसे बच के रहिए, क्योंकि एक ही मालिक की औलाद हैं, एक ही मालिक से बन के आए हैं, और सारे धर्मों में सबका मालिक एक है, ये साफ साफ लिखा है। फिर क्यों करते हैं झगड़े, क्यों फैलाते हैं नफरत? अपना उल्लू सीधा करने के लिए शात्र दिमाग लोग, चलाक लोग, ओवर स्मार्ट लोग, आम भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए इंसान दुखी रहता है, परेशान रहता है, लड़ता झगड़ता रहता है। तो साईं जी ने यही बताया, मत करो झगड़ा। धर्मों में झगड़े के लिए कोई जगह नहीं है। मत करो नफरत। अरे नफरत करनी है तो अपने ऐबों से करो, अपने गुनाहों से करो। आप में जो कमियां हैं, आप में जो बुराइयां हैं, उनसे नफरत कीजिए, क्योंकि अपने अंदर की बुराइयों से नफरत करते जाओगे तो वो छूटती जाएंगी, गुण ग्रहण करते जाओगे और मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बन जाओगे। जब आप किसी दूसरे को बुरा कहते हैं तो आप अवगुण इकट्ठे करते हैं, एक तरह से उसके अवगुणों को अपने अंदर हासिल कर लेते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों के अवगुण नहीं, गुण देखा करो। जो आदमी दूसरों में देखता है वो इंसान के अंदर आ जाता है, और जो खुद में देखता है वो चला जाता है। इसलिए खुद में अवगुण देखो ताकि वो चले जाएं, और दूसरों में गुण देखो ताकि वो आपके अंदर आ जाएं। और जब आप गुणवान बन जाएंगे, गुण ग्रहण कर लेंगे, तो दोनों जहान में आप खुश नसीब होंगे, दोनों जहान में आप तमाम खुशियां हासिल करोगे। इंसान के विचार हैं जो बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ते रहते हैं। आप बैठे कहीं और हो, दिख कुछ और रहे हो, और अंदर मीटिंग कोई और ही चल रही है। पीरो मुर्शिदे कामिल को सब मालूम होता है। वो जानते कब आदमी जैसे ट्रेन का कांटा बदलते हैं, कैसे बदल जाता है। तो इसलिए अपने विचारों को काबू पाना सीखो। जो आदमी अपने विचारों पे काबू पाना सीख लेता है वो बिल्कुल बिल्कुल शांत रहता है। कहना आसान है, शांत रहना मुश्किल बहुत होता है। कबीर जी के पास
एक बादशाह आए थे इब्राहिम अदहम, जो बल्ख बुखारे अफगानिस्तान साइड से थे। ढूंढते ढूंढते आए कि मुझे रूहानियत की शिक्षा लेनी है। मैंने अल्लाह ताला का रहमो करम हासिल करना है, दीदार करना है। तो किसी ने बताया कि इस समय तो कबीर साहब हैं, तो वो कबीर साहब जी के पास पहुंचे। कबीर जी कहने लगे, हाँ जी बताइए। कहता, जी मैं ऐसे बादशाह हूँ, ऐसे ऐसे आया हूँ, आपसे नाम लेना है। कबीर जी कहने लगे, भाई बादशाह नाम नहीं ले सकता। कहता, क्यों? कहते, इसके लिए अपने आप को साधना पड़ता है। कहता, जी मैं साधूंगा। कहते, फिर बादशाह छोड़ो। कहता, छोड़ी। कहते, कर सेवा। कहता, जी करूँगा। लग गया सेवा करने। अब सेवा करता था बेचारा, वहाँ सूत कातना, सूत को रंग देना, फिर उसे चारपाई या जो भी सूत बनाना, कपड़ा बनाना, वो लगा रहता। करते 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 6 साल गुजर गए। कबीर जी के घर से जो लोई थी, वो कहने लगी, कबीर साहब अब इसको नाम दे दो, बेचारा बादशाह है, 6 साल हो गए इसको। कबीर जी कहने लगे, अभी इसमें से कुछ गंदगी गई नहीं। कहने लगे, जी आपको पता होगा। कहते, नहीं आप अजमा लो। कहते, जी क्या करूं? कहते, थोड़ा कीचड़, मिट्टी ऐसे कीचड़ जो होता है वो उठाओ, और सुबह ये जब गली में से गुजरे इसके ऊपर डाल दो, फिर पीछे हटके सुनो क्या कहता है। कहती, जी सतवचन। क्योंकि कहते हैं लोई ऐसी भक्तनी थी जो अपने पति और गुरु कबीर साहब के हर वचन पे सतवचन कहती नहीं थी, करती थी। तो कहती, जी सतवचन। कीचड़ घोड़ा एक तसले में ले लिया, वो बादशाह वहां से गुजरा उसके ऊपर डाल दिया और पीछे हट गई। बादशाह ने ऊपर देखा, कहता, डालने वाले ये तो मैं यहां सेवा कर रहा हूं, बलख बखारे होता करता सो करता। लोई कबीर साहब जी के पास आई। कबीर साहब कहने लगे, हाँ भाई। मुस्कुरा के पूछने लगे, क्या हुआ? कहते, जी मैंने ऐसे कीचड़ डाला, और वो बादशाह कहता है बल्ख बुखारे होता करता सो करता। कहता है, उसके अंदर तो भी बल्ख बुखारा अड़ा हुआ है, मालिक का नाम कहाँ आएगा? जब तक वो बल्ख बुखारा निकलता नहीं, मालिक का नाम नहीं चलेगा। अब 6 साल और गुजर गए। कबीर जी कहने लगे, हंस के लोई को, कि लोई अब ये नाम के काबिल हो गया है। तो कहने लगी, जी क्षमा करना, मुझे तो जैसा पहले लगता था वैसे ही आज लग रहा है, आप कहते हैं तो हो गया। कहने लगा, अजमा ले। कहती, जी कैसे? कैसे? उस टाइम तूने कीचड़ डाला था, इस टाइम पशुओं की आदमियों की पूरी गंदगी घोल के इसके ऊपर डाल दे, फिर पीछे होके सुनना क्या कहता है। कहती, जी सतवचन। उसने वैसे गंदगी घोल बनाया, जब बादशाह वहां से गुजरने गया उसके सिर पे डाल दिया और पीछे हट गए। बादशाह वहीं घुटनों के बल बैठ गया, हाथ ऊपर उठा लिए। कहता है, मेरे ऊपर ये गंदगी डालने वाले, अल्लाह ताला तेरा भला करे, मेरा मन जालिमी इसी के काबिल है, ये अहंकारी है, मालिक तेरा बहुत भला करे। लोही की आंखों में आंसू आ गए। कबीर साहब के पास आके नतमस्तक हो गई। कहने लगे, जी आप कभी झूठ कहते ही नहीं, वाकई सच। तो कबीर जी कहने लगे, आप उसका अंदर बिल्कुल साफ हो गया है। और कबीर जी ने उसको नाम दिया, और जैसे नाम देते गए रूहानी मंडलों पे तरक्की हो गई, पल में सब नज़ारे मिल गए। कहते हैं बादशाह वहां से आ गया ली, कबीर जी कहने लगे, अब तो जा भाई अपने नगर, नज़ारे तुझे मिल रहे हैं, सुमण करते रहना। वो चला गया नदी के किनारे। भक्ति में कैसी शक्ति होती है, वो समुन्द्र के किनारे जाके बैठ गया, फटे हुए कपड़े ये सब, और इबादत में बैठा करता। तो कहते हैं एक बार उसका वो वजीर आ गया जिसको वो राजपाट सौंप के आया था। उसने देखा ये तो बादशाह बैठा है, पहचान गया।
आप बादशाह के पैरों में गिरा, कहता बादशाह सलामत, अपना राज्य संभालो, मैं तो तंग आ गया, मेरे से नहीं संभलता संभलता, मैं इतने साल, 12 साल हो गए, तो आपके बच्चे भी बड़े हुए हैं और आप संभालिए, मेरे से ये काबिल नहीं हूं मैं इसके। कहने के कौन सी बादशाहत, मुझे तो वो बादशाहत मिल गई है जिसमें नजारा ही नजारा है, आनंद ही आनंद है, लज्जत ही लज्जत। वजीर कहने लगा जी कौन सी लज्जत, फटे हुए कपड़े हैं, बुरा हाल है आपका, कौन सी लज्जत है। वो मुस्कुराया, कहता फिर और कहाँ लज्जत है, कहता देखो ये आपकी सेना खड़ी है वहां, आपके इतने इतने बढ़िया बढ़िया महल हैं, ये कहता आपकी सब कुछ है, तो आप यहां क्यों ये फटे हुए कपड़ों में और बैठे हो भक्ति करने। कहने लगा नहीं, अब मैं उसकी बादशाहत कबूल कर चुका हूं जो सबका बादशाह है, मैं बादशाह कैसे बनूं। बजी कहने लगा नहीं, फिर भी सेना तो रख ही लो। बादशाह कहने लगा सेना मेरे किस काम की, कहते नहीं जी आपके काम आएगी। तो वो ऐसे अपना गुदड़ सी रहा था बादशाह, उसने सुई निकाली और यूं समुंदर में फेंक दी, कहता तेरी सेना काम आएगी तो ऐसा कर मेरी सुई वापस निकलवा दे। वो सारे लग गए, सुई आए तो आए कहां से, समुंदर में सुई ढूंढते रहे, मत्था मारते रहे, कई घंटे गुजर गए नहीं मिली। तो वजीर झुक गया, कहता जी सेना से तो कुछ नहीं मिला। बादशाह कहने लगा अब मैं अपने बादशाह से दुआ करूं, कहता करो जी, ये ऐसा क्या है। कहता अभी देख उसकी गैबी फौजें हैं जो दिखती नहीं। उसने दुआ की और जैसे तवज्जो डाली एक मछली सुई लेके बाहर आ गई उछल के, सुई ले ली, मछली को पानी में धकेल दिया, कहता ये देख मेरे बादशाह की फौज, तेरे वाले तो पानी में है ही नहीं, मेरे वाले तो पानी में भी रह रहे हैं, क्योंकि सारी मालिक की रियाय है, प्रजा है। सो कहने का मतलब ऐसे विचारों को काबू कीजिए तो रूहानी स्वरूप के दर्शन होते हैं। बात बात पे तुणक मिजाज, बात बात पे खुदी आ जाना, अहंकार आ जाना, ऊपर से गुरु पीर फकीर को दोष देते रहना कि मुझे मेरा दसवां द्वार नहीं खुला यार, मैंने बहुत जोर लगाया है, तूने व्यवहार कितना चेंज किया है, जरा सोच क्या तू बदला है, क्या बदलाव आए हैं तेरे, तेरे के बलख बुखारा अड़ा हुआ है, बात बात पे तो तेरा बलख बुखारा बाहर आ जाता है। तो कहने का मतलब नूरी स्वरूप मालिका अगर हासिल करना हो जिसमें करोड़ों सूरजों से बढ़ के प्रकाश है, तो पहले शरीर को उसके काबिल बनाना पड़ता है, तब जाके वो अंदर से नूरी स्वरूप प्रकट होता है। और जो बहुत सेवा करते हैं, बहुत संस्कारी रूहें होती हैं, पता नहीं कितने जन्मों की भक्ति की होती है, अगर वो, उनको मालिक कई बार पल में भी नूरी स्वरूप दिखा देते हैं, ये बात अलग होती है। अदरवाइज इंसान को अपने आप को साधना, साधक का मतलब साधना, तो किस कई बार कई नकल भी करते हैं। एक बार हमें हंसने की किसी ने बात बताई कि पिताजी आपने ये बात सुनाई बलख बुखारे वाली, तो किसी सेवादार ने ऐसा किया कि दूसरे के ऊपर कूड़ा डाल दिया, वो कहता तेरा भला हो। तो ऐसा करने से कुछ होता नहीं, ये तो अंदर की महल साफ करनी है, अंदर की भावना शुद्ध करनी है, ये तमाशागिरी करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड, वो खुदा तो अंदर की भावना देखता है, कूड़े करकट से मतलब नहीं है कि आप में दीनता आई कि नहीं, आप में नम्रता आई कि नहीं, तुनक मिजाजी खत्म हुई कि नहीं, कोई आपको कुछ बोले तो क्या आपके अंदर ऐसी सहन शक्ति आई है कि नहीं आई। वो अगर आ जाती है तो नूरी स्वरूप ना मिले, हम आपको गारंटी देते हैं 100% उसी टाइम नूरी स्वरूप के दर्शन हो। तो सुमरण कीजिए, वचनों पे रहा कीजिए, सुमरण के पक्के जरूर बनिए, असूल बनाइए कि हाँ जी 5 मिनट से सुमरण शुरू कर लो। 5 मिनट तो कोई बड़ी चीज नहीं, 5 मिनट यूं हो जाते हैं, और मिनट 2 मिनट रोज के बढ़ाते जाओ, बस कुछ दिनों में आधे घंटे घंटे पे पहुंच जाओगे। ये नहीं कि रोज ही 5 मिनट ही करना है, उसको बढ़ाते जाइए। कोई पता नहीं कलयुग है, अगला कहते गुरुजी ने बोला 5 तो 5 तो करूंगा ही, तो हम तो ये कहते हैं 1 दिन 5, अगले दिन 7, अगले दिन 9, ऐसे बढ़ाते जाओ।
तो आसानी से टाइम भी बढ़ जाएगा, भक्ति भी आपकी अच्छी होगी। सुमण में मन लगे न लगे, पर मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल वो सुमण आपका जरूर होगा। धन सतगुरु तेरा ही आशा, सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा।